हम समर्पित ईश्वर के आगे इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि भाव है, क्योंकि भक्ति है। हम समर्पित ईश्वर के आगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सुविधाएं अब खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं। जब तक सुविधाएं थी, जब तक पैसा था, जब तक कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको परेशानियों से निकलवा रहा था, तब तब आप अंधे रहे, ईश्वर को आपने कभी याद नहीं किया। आपके पिताजी अगर बहुत ज्यादा बीमार हो जाएं और आपके पास पैसा नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो तुरंत आपको ईश्वर याद आने लगेंगे। आप सरकारी अस्पताल में उन्हें ले जाते 10,000 बार ईश्वर का नाम जाप करोगे और जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक रोजमाला करते रहोगे। परंतु अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप उन्हें देश के बड़े अस्पताल में, देश के बड़े डॉक्टर से उनका इलाज करवाओगे, उस डॉक्टर में आपको ईश्वर दिखने लगेगा। फिर आप ईश्वर का नाम तब लोगे जब वो महंगा डॉक्टर मना कर देगा, मैं नहीं कर पा रहा हूं कुछ, अब ईश्वर करेगा, तब ईश्वर के दर पे भागोगे। सुविधाएं जब खत्म हो जाती हैं तब हमें ईश्वर याद आता है। इसे बोलते हैं सुविधाओं का अभाव। इसमें भाव नहीं है, इसमें भक्ति नहीं है, इसमें समर्पण नहीं है। आप समझिए, अगर आपका भाई दोषी साबित हो गया और उसको जेल हो जाए तो आप निरंतर ईश्वर का ध्यान करोगे, आप कहोगे कि जेल में उसे कोई परेशानी ना हो। और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप जेल में सेटिंग करवा दोगे, उसे अच्छी जगह रखवा दोगे, तो वो जेल की सेटिंग, वो पैसा, वो आपको ईश्वर याद करने नहीं दे रहा है। आपको याद तो ईश्वर तभी आएगा जब संकट होगा जीवन में। आप समझिए, भाई की आज पेशी है और बेल होने वाली है, आपको अपने वकील पे भरोसा नहीं है, तो आप ईश्वर का गुणगान करोगे, आप कहोगे ईश्वर भाई को बेल दिलवा दो। और अगर देश का बड़ा वकील, देश का बड़ा महंगा वकील आपने किया, तो ईश्वर याद नहीं आएगा फिर आपको, क्योंकि वो वकील ही ईश्वर का काम करेगा। परंतु जब तक आप समर्पण नहीं करोगे ईश्वर के आगे, तब तक चिंताएं खत्म नहीं होंगी। द्रौपदी ने जब तक दोनों हाथ नहीं उठाए तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। और जब समर्पण कर दोगे ईश्वर के आगे, तो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगी तो सही, क्योंकि कर्मों का खेल है, मगर वो कम होकर आएंगी।